दादरनगर हवेली खाते मराठी कुणबी पाटिल समाजनी एक एवी महिला सविता तानाजी पाटिले लोमा गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करीने मराठी कुणबी पाटिल समाजनो सम्मान वधाव्यो। चालो आजे आपणे एक एवी व्यक्तिनी मुलाकात लईए जेणे समाजनी कोई पण परवा कर्या वगर पोताना जीवनमां आगळ वधती रही अने आखरे जीवननी घणी बधी मुश्केलीओ पार पाडीने दादरानगर हवेली खाते रहती मराठी कुणबी पाटिल समाजनी सविता तानाजी पाटिले कई रीते पोताना जीवननो ध्येय एवा लोमां गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त करीने तेमना परिवार समाज अने आपणा राष्ट्रनुं नाम रोशन कर्युं, सांभळीए एमना मुख्यत्वे। जी आपका नाम? मेरा नाम सविता तानाजी पाटिल, कुणबी समाज से बिलोंग करती हूँ मैं। और आपको जो गोल्ड मेडल मिला है इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आखिर में मैंने जो सोचा नहीं था कि इस एज में मैं कर पाऊँगी, जो हौसला मैंने इस फील्ड में सोचा था वो कर दिखाया। और LLB में भी मैंने फर्स्ट सेम में यही सोचा था कि अब मेरे से होगा नहीं होगा, ये ज़िद के साथ मैंने LLB में फर्स्ट सेम से मेहनत करना स्टार्ट किया। और फर्स्ट ही सेम में मैं फर्स्ट आई और उसी के साथ साथ मुझे लॉ ऑफ टॉट में यूनिवर्सिटी टॉपर मान के मुझे गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित किया गया। उसके बाद मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस लॉ के फील्ड में आया है फिर मैंने पलट के पीछे नहीं देखा। आपकी जो जीवन की शुरुआत हुई शादी के बाद आपने किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया और किस तरह से अपना जीवन चालू किया था? शादी के बाद एक उससे पहले तो मैं ग्रेजुएशन में भी कोचिंग क्लासेस लेती थी, अपने आप में विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो करूँगी, बट सेटिस्फेक्शन किसी लेवल पे नहीं था क्योंकि मेरे लिए एक कुणबी समाज की बेटी, कुणबी समाज की बहू, खानदेश का कल्चर और सब लेकर चलना थोड़ा मेरे लिए लिमिटेशंस था। और वही बैठ बैठ के मैं सोचती थी कि इसी चीज़ में मैं किस तरीके से अपना नाम और रोशन करूं और मेरे समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं, मेरी यहाँ जो कुणबी समाज की महिला है उनके लिए कुछ कर सकूं। तो पहले तो मैंने 15 साल मेरे जो मैंने बस यही लिमिटेशंस के सोच में ही कर दिए। हाँ, शादी के बाद फुल टाइम बिजी रहना, फैमिली इसमें एग्री करे कि नहीं, इवन दैट तो मेरे सास ससुर ने मुझे हमेशा आगे पढ़ने के लिए पहले शादी के जैसे ही मेरा फर्स्ट डे शादी का था उसी टाइम से बोला बेटा आपको आगे कुछ पढ़ना है, आगे कुछ करना है तो हमसे आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगी, आप आपके हिसाब से फ्री हो, आपको आगे पढ़ना है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं पढ़ के उनके पर हस्बैंड पे बर्डन इतना जल्दी नहीं करना चाहती क्योंकि बस शादी ही हुई है और अपने खर्चे होते हैं, माँ बाप की जवाबदारी थी, दादा दादी की जवाबदारी थी, छोटे भाई की जवाबदारी थी, उसके साथ मैं अपनी भी जवाबदारी अपने पति पे डालती तो शायद बहुत मुश्किल होता उनके लिए कि सब चीज़ों को मैनेज करना। इसलिए मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि मैं कुछ अर्न करूँ, कुछ बैलेंस करूँ और कुछ ऐसी डिग्री बाद में हासिल करूँ जिसमें मुझे मेरा मुझे सक्सेस भी मिले, नाम भी मिले और जिस सपनों को मैं बचपन से सोचते आ रही हूँ वो पूरा कर सकूँ। तो मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर के साथ असिस्टेंट टीचर बनके उनकी कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे एक बच्चे के पीछे वो 50 रुपया देती थी, 50 रुपीज़ सिर्फ देती थी जिसमें 200 बच्चों की क्वांटिटी थी और मैं 50 रुपीज़ में सातों सात सब्जेक्ट पढ़ाती थी, पूरे लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाती थी हर बच्चे को। ऐसे मैंने अपनी जर्नी 2 साल काटी। 2 साल के बाद फिर सोचा कि फिर मुझे मेरा बेटा हुआ, बेटे का जवाबदारी ऐसा लगा मुझे कि शायद मैं मेरे बेटे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो मैंने वो गवर्नमेंट स्कूल की जॉब टीचर की जॉब छोड़ दी और अपना खुद का जॉब स्टार्ट किया और मैंने अपने खुद की पर्सनल कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की सिलवासा में और वो भी स्पेशल कॉमर्स क्लासेस स्टार्ट की 11th स्टैंडर्ड से लेके BCom तक। BCom के बाद जैसे जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो लोगों को मुझ में वो कॉन्फिडेंस दिखने लगा और वो रिज़ल्ट बच्चों का जो आने लगा, जो बच्चे अच्छे से यहाँ से जो वीक बच्चे थे जिनका अच्छा रिजल्ट आया, अच्छी मुकाम पे पहुँचे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने MBA क्लासेस भी स्टार्ट किया, इवन दो मैं MBA नहीं पढ़ी थी तो भी मैं MBA बच्चों को, CA के बच्चों को पढ़ाकर उनको एग्ज़ाम क्रैक करवाइए, वो मेरे सारे सोशल मीडिया पे भी मैंने पुटअप किया है। तो ये सब मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस था कि इवन दो मैं BCom थी बट MBA और CA बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है और उनको सक्सेसफुल बनाया है और आज भी वो मुझे इस फील्ड के लिए धन्यवाद करते हैं। कोचिंग में आप कितना सैलरी प्राप्त कर सकते थे? सर, मैं कोचिंग क्लासेस में लगभग 4 बैचेस लेती थी, 1.5 घंटे का एक बैच लेता था जिसमें लगभग 30 से 40 बच्चे आते थे, तो अप्रोक्सीमेटली मैं गिनूँ
कभी तो गिना नहीं है, मेरी आदत नहीं थी क्योंकि वो इनकम मुझे पहले तो कैश था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो मैंने गिना नहीं पाना। अप्रोक्सीमेट मैं 1 लाख जितना कमा लेती थी। 1 लाख सैलरी आने के बाद भी आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे लो करना है? मुझे मन में संतुष्टि नहीं थी। बोलते हैं ना, लाइफ में बहुत कम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है, जो शायद मेरे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए सेटिस्फैक्शन पैसा था, बट वो खुशी नहीं थी कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ समाज के लिए। इवन दो मेरे बच्चे बोलते कि मैम आप हमारी लाइफ बना रहे हो, बट एक बोलते हैं कि अपने पास जब तक एक डिग्री, एक प्रोफेशन और एक पावर, ये तीनों चीज़ ना हो तो हम किसी की लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकते। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ क्योंकि मैं एज एन एडवोकेट बोल रही हूँ, तो मेरी बातों का मोल है, बट यही मैं बीकॉम की एक टीचर आपके सामने इंटरव्यू देती तो शायद मेरी वो वर्ड्स की कीमत नहीं होती। तो मैंने अपनी 1 लाख की इनकम को क्विट कर दिया और मैं लॉ पढ़ने का पूरा फाइनल डिसीजन लिया, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया और उसके बाद मेरी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया। अपने जो मराठी समाज है, कुणबी पाटिल समाज है, उसमें लड़कियों को ज़्यादातर आगे बढ़ने नहीं देती, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये तो मैं आपको 100% राइट बोलती हूँ, इसकी तो शिकार मैं भी रही हूँ। शायद मैं उसी टाइम पे मेरे पापा ये समझ जाते तो आज मैं बहुत बड़ी पद पे गवर्नमेंट में वर्क करती होती, शायद IAS की एग्ज़ाम क्रैक कर ली होती। बट मेरे पापा ने एक लड़की को पढ़ाना सिर्फ पढ़ाई समझी कि बस पढ़ाई पढ़ाई के नाम पे काम आएगी। हस्बैंड के बाद आते हैं मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। फादर इन लॉ मेरे 2 सेमेस्टर तक मेरे साथ कॉलेज में आते थे, मैं 3 घंटे एग्ज़ाम्स देती थी, वो बाहर इतने निरांत से वेट करते थे कि मेरी बहू एग्ज़ाम दे रही है और मेरी बहू लाइफ में कुछ बनेगी, इस खुशी के साथ वो हमेशा 3 घंटे बाहर अकेले बिताते थे। पर इसी जर्नी में वो एक्सपायर्ड हो गया और उन्होंने ये मेरा सपना पूरा होते हुए नहीं देखा। उसका मुझे बहुत दिल से दुख भी है और क्या बोलते हैं उसका खेद भी है, मुझे उसका दुख भी है और खेद भी है। बट मेरे ससुर इस दुनिया में न होने के कारण भी आज भी उनका आशीर्वाद के रूप में मैं दिन दुगनी रात चौगुनी कर रही हूँ, किसी ना किसी रूप से मैं कहीं ना कहीं तो पहुँच ही रही हूँ, शायद उनका आशीर्वाद है। मेरी सास का तो मैं आपको बोलूँगी, उन्होंने मुझे जो हिम्मत इस फील्ड में दी है, जो टाइमिंग में कभी कभी मुझे कभी कभी लेट हो जाता था, 6 बजे 4 बजे बस रहती थी, कभी कभी शाम को 4-5 बज जाते थे, कभी टाइम कैलकुलेट नहीं किया, कभी ये चीज़ का ये नहीं बोला कि बेटा तू इस फील्ड में जा रही हो तो फैमिली को कैसे देख पाएगी, आज हम हैं कल नहीं है, नहीं, ये चीज़ों से मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं किया। आप बेटा बढ़ो आगे और हम सब देख लेंगे, बट आप आगे बढ़ो, घर की बिल्कुल टेंशन मत करो, हमें पता है कि आप हमारे गाँव का, अपने ससुर का, सबका नाम आप रोशन करोगे और अपनी फैमिली को हमेशा गर्व महसूस करवाएंगे। मेरे सास ससुर ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, जो कुणबी समाज में मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बहू अपनी बेटी में वो चीज़ देखिए और सास ससुर से ज़्यादा माँ बाप बनकर उनको एक मार्गदर्शक बनिए, एक सपोर्टर बनिए। हर लड़की में कुछ स्पार्क होता है, उस स्पार्क को जानिए और उनको सपोर्ट करिए। मुझे अपने पापा मम्मी के लिए भी कुछ खास बातें बतानी है। दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरी मम्मी ने तो एक कक्षा भी देखी नहीं है और पापा भी थोड़े बहुत ही पढ़े हैं, बट एक अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से तो अच्छा बिजनेस वापी में चला रहे हैं। एजुकेशन का प्लेटफॉर्म उन्हें पता न होने के बावजूद भी उन्होंने हमें सबसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे लाइफ में काम हुआ है, उन्होंने 3 बच्चों को, मेरे 2 भाई भी है, हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, कड़ी मेहनत की, बट हमारे एजुकेशन में हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हुआ और वापी की बहुत नामचीन और बहुत बड़ी स्कूल में मेरे पापा ने हमें पढ़ाया है, जिसके कारण हम में वो कॉन्फिडेंस और वो एजुकेशन को लेके जो बेसिक होते हैं नॉलेजेस, वो सब हम में पहले से ही आए हैं। और मैं मेरे पापा मम्मी की मेहनत को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ की कि हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ा कर, कड़ी मेहनत करके, ये सोचा कि मैं तो नहीं पढ़ा पर मेरे बच्चे इतना पढ़ लेंगे कि वो अपना नाम अपने दम पे कमाएंगे। बहुत पेरेंट्स होते हैं जो पढ़ाई के अलावा घर दार प्रॉपर्टी सब देते हैं, बट मेरे पापा मम्मी ने धन दौलत को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया, बच्चों की पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया और उनको पता था पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ मेरे 3 बच्चे अपना नाम अपने हिसाब से कमाएंगे। और मैं तहे दिल से उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि मम्मी पापा आपका, आपने जो भी मेरे लिए, मेरे एजुकेशन के लिए किया है, मैं बहुत कड़ी दिल से आपको धन्यवाद। मैं हमारी कुणबी समाज की महिलाओं को यही प्रेरणा दूंगी और मुझसे यही सीखे
कि हम भले कुणबी समाज के हैं, हमें बहुत सारे रीति रिवाज निभाने होते हैं, भले हमारे सास ससुर हमें किसी चीज़ पे सिखाने के लिए कभी हावी होते होंगे, रोक टोक करते होंगे, पर उसको पॉजिटिव में लीजिए। लास्ट वही हमारा गर्व है और वही सही मायने में हमें प्राउड फील करवाएंगे। मैंने भी अपना करियर में कोई भी चीज़ जो अपने कुणबी समाज की रीति रिवाजें होती है, कल्चर होता है, या अपने गांव में जाकर जो रोट होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने सब निभाते हुए मैंने अपना करियर किया है इसमें। और अपने जॉइंट फैमिली को कभी भी अपना बोझ मत समझिए। जॉइंट फैमिली एक ऐसी पावरफुल बाइंडिंग होती है, मुट्ठी बन के वो स्ट्रांग होती है। आप सिंगल इस फील्ड में तो आप कोई भी पर्सन हो, वो सिंगल पर्सनालिटी से डेवलपमेंट और नाम कमा ही नहीं सकता। उसके पीछे होता है उसका परिवार, उसका दोस्त, उसका समाज और एक ऐसे गुड विशेस फ्रेंड्स होते हैं जो हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में, सही दिशा दिखाने में बहुत मदद करते हैं। और मैं हर वो पर्सन भले वो मेरे पड़ोस हो, मेरे मायके वाले हो, मेरे ससुराल वाले हो, मेरे दोस्त हो, भले मेरे वॉचमैन जो मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हुए एक पॉजिटिव स्माइल देते हो, मेरी मेड हो, मैडम आप कर लोगे, आप डोंट वरी, उन सबको इस माध्यम से थैंक यू बोलती हूँ कि आज ये सारा टीम मेरे पीछे वर्क किए और आज मुझे इस काबिल बनाए कि आज मैं अपनी जीवन की कुछ इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक चीज़ें लोगों को शेयर कर सकूँ। आप यहाँ तक पहुँचे हो, इसमें इन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है? सबसे बड़ा योगदान है मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड को जब भी मैं ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफीज लाई हूँ, बचपन में तो भगवान को प्रे करती थी, भगवान मेरा फर्स्ट रैंक आए तो मैं मन्नतें मानती थी, पर महादेव जी के पास जाके दिया लगाती थी। बट सब चीज़ें मुझे अब लॉ फील्ड में इतना ऑनर और इतना रिस्पेक्ट मिला है और इतनी सारी मुझे अचीवमेंट्स मिले हैं। और ये विश्वास मेरे पति का ही था, तू निकल, ये इनकम का मटेरियलिस्टिक खुशी हमें बिल्कुल नहीं है, तू इस दुनिया में सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है, तुझे बहुत कुछ काम करना है और तुझमें वो काबिलियत है, तू करेगी। मैं कभी भी अपनी ट्रॉफी की जब अचीवमेंट की फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बताती हूँ, बोलती इससे इसकी आदत डाल दे, इससे आगे तू जाएगी, ये कर मुझे मोटिवेट करते हैं। और नेवर वो बोलते हैं इससे ज़्यादा सर पे मत चढ़ने देना, तू बहुत आगे जाएगी, तू बढ़, मेहनत कर और अपने समाज का वैल्यूज़ रख के आगे बढ़। लास्टली मैं कुणबी महिलाओं को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कभी भी होप मत छोड़ो, ये बात तो ठीक है, बट जिस समाज में हम हैं उसके साथ चलना और अपने परिवारों का आशीर्वाद और अपने परिवारों का नाम लेना और निकालना, ये दोनों अपने ही हाथ में होता है। तो पहले ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप पढ़ने निकल रहे हो, जैसे मैंने 35 की उम्र में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, अब मुझे बच्चे भी हैं, मेरे सास ससुर भी हैं, मुझे घरों की भी जवाबदारी है, समाज की भी जवाबदारी है और मेरे खुद के भी शौक, मेरी पढ़ाई, और पढ़ाई का तो मुझे बहुत शौक है। और आपको पता है कि लॉ डिग्री में आपको लगभग 10 घंटे देने होते हैं जिसमें आपके लिए कुछ रिसर्च कर सको। मैं ये सब महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप एक घंटे के लिए जॉब करो, एक घंटे के लिए अपनी हॉबी के लिए निकालो, बट आप समाज से जुड़े हो, समाज के बाहर आप नाम कमाना सोचोगे तो वो आपको समाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज में रहकर ही समाज का नाम रोशन करना है तो हमें समाज में जो जो है अपने साथ जुड़े हुए उनकी पूरी तरीके से जवाबदारी लेनी है, जैसे अपने बच्चों की, अपने सास ससुर की, अपनी और अपने परिवार की, तो ही सही मायने में ये सक्सेस का फल हमें मिलता है और हमें उस चीज़ का धन्यवाद लेने में भी गर्व महसूस होता है। धन्यवाद। मेरा नाम तनिषा पाटिल है। मेरे पास मम्मी को बताने के लिए कोई शब्द नहीं है, पर जो मम्मी ने स्ट्रगल किया है उसके लिए मैं बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ और साथ साथ मैं भी मम्मी की जैसा बनना चाहती हूँ बड़ी। और थैंक यू जी। आपका नाम? नमस्ते सुनील जी, आप इतना दूर आए इंटरव्यू लेने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। मैं राकेश पाटिल हूँ जी। बताइए जी, आपका सिस्टर को गोल्ड मेडल मिला है, अच्छा मिल रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी ऑब्वियसली सिस्टर को गोल्ड मेडल मिलना बोले तो भाई सबसे ज़्यादा खुश रहता है, उसमें से मैं एक हूँ फॉर्चुनेट भाई, कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए क्या हो जाता है, उन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित किया है, हमारे जो कुणबी मराठी समाज के जो सारे लेडीज लोग हैं उनका अगर आप टिपिकल अगर उनका लाइफ अगर हम देखेंगे तो दे आर टोटली बिजी इन एज ए हाउस वाइफ, बच्चों में बिजी रहते हैं, घर के कामों में बिजी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने अपने लिए ये सब चीज़ें मैनेज करने के बाद अपने लिए उन्होंने समय निकाला अपनी जो हॉबी थी, उनको पढ़ाई का बहुत शौक था बचपन से ही, मैं उनको देखते आ रहा हूँ, मैं भी छोटा ही था, इतना बड़ा नहीं था,
तो उनको मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, तो वो काफ़ी मतलब आशावादी थे, काफ़ी आशावादी थे। और आज जब इस मुकाम पे, और जिसमें एक मैं जानबूझ के एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि दादरा नगर हवेली सिलवासा में, जो सिलवासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहाँ पे अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए एडवोकेट, उस दादरा नगर हवेली सिलवासा में एक भी एज पर माई नॉलेज कोई गोल्ड मेडलिस्ट मेरे हिसाब से नहीं है अभी तक। तो दिस इज़ द ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, और हमारे परिवार में बहुत ही खुशी का माहौल है। सब लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे मामा जी लक्ष्मण मामा, उनके पिताजी, दोनों भाई, हम लोग सब बहुत खुश हैं। और इसके पीछे सारा क्रेडिट भी मैं देना चाहूँगा हमारे जीजे जी तानाजी पाटिल जी को, और उनकी सास है, उनको फैमिली ने बहुत सपोर्ट उनको किया है। और मुझे नहीं लगता है कि उनकी बातों से, नहीं लगता है मुझे दीदी की बातों से कि उनका जर्नी यहाँ पर रुकने वाला है, वो और आगे जाएंगे। और डेफिनेटली समाज में और भी दूसरी बहुत सारी बहनें हैं, उनके लिए क्या मैसेज दे रहा है? बस उठो, अराइज, अवेक, और परस्यू योर ड्रीम्स। आप जहाँ हो वहाँ से उठो, आप जहाँ हो वहाँ से उठो, आप कोशिश करो, अपने जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, उसको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़िए। आपको फैमिली का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। अगर अपने कुनबी पाटिल समाज के अंदर ऐसा होता है कि लड़कियों को ज़्यादातर ज़्यादा पढ़ने नहीं देते और आगे नौकरी में बढ़ने नहीं देते, इसके लिए समाज को क्या कहना चाहोगे? कि ये सबसे बड़ी विडंबना है, खास करके खानदेशी समाज अगर हम बात करें कुनबी समाज की, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है सुनील जी जो अभी आपने बोला है। हमको इस बाउंड्री के बाहर जाके थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो लेडीज़ कहाँ कहाँ नहीं पहुँच गए हैं, हर जगह पे लेडीज़ का भागीदारी बढ़ गया है, हर जगह पे लेडीज़ आगे। आप सुधा मूर्ति को देखिए, इंस्पायरेशनल लेडीज़ है। आप देखिए इंदिरा नूरी को देख लीजिए, इंस्पायरेशनल लेडी है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट पायलट है अपने, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो समाज के जो लेडीज़ लोग हैं या उनको जो चलाने वाले जो घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनको इस बात पर थोड़ा सा सोचना चाहिए और उनको थोड़ा सा बाउंड्री के बाहर जाके थोड़ा सा उनके लिए एक माहौल बनाना चाहिए, जिससे कि वो भी खुल के अपनी हॉबीज़ और खुल के अपना पढ़ाई या खुल के अपना योगदान जो है समाज में दे सके। सरला प्रभाकर पाटिल। अच्छा, आपकी जो बहू ने अचीवमेंट किया है, गोल्ड मेडल मिला है लोगों के अंदर, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो मेरी बहू के लिए इतना कहना चाहूँगी, तो उसने उसको उनके लिए जो हम लोग सपोर्ट किया है, वैसा अपना कुनबी समाज, मराठी समाज में जो है अपने बहू बेटी के लिए, उन लोगों ने भी ऐसा सपोर्ट करना चाहिए कि अपनी बेटी अपनी बहू आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आगे बढ़ के तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अपनी बहू बेटी आगे जाएगी तो अपना भी कुनबी समाज का, मराठी समाज का नाम रोशन होगा। और मेरी बहू ने जो किया है उसके लिए तो मैं बहुत माता जी का और इसका धन्यवाद ये करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेहनत के साथ इतना आगे बढ़ी है, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है जी। मेरा नाम अनुराग है और मैं मेरी मम्मी को बहुत दिल से प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हार्डवर्क किया है वो मैंने अपने आँखों से देखा है। उन्होंने जो मेहनत की है उसके लिए जो मेरा क्या मोटिवेशन जो बनता है वो उनका हार्डवर्क को देख ही बनता है, और किसी चीज़ को मैं दिल से मानता नहीं हूँ। जितना मैंने देखा है कि वो मानता हूँ कि मैं उन्होंने अपनी मेहनत के समय हमें टाइम नहीं दे सके, पर जब उन्होंने हमें दिल से चाहा कि दोनों घर और ऑफिस अपना काम साथ में संभालेंगे, उससे उनका जो लोड है वो ज़्यादा बढ़ा। फिर भी उन्होंने उतना मैनेज करके, इतना हार्डवर्क करके इतना बड़ा हासिल किया है, मतलब उन्होंने प्राइस, उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। आपको क्या प्रेरणा मिली इससे? इससे ये प्रेरणा मिलती है कि ना कभी अपने होप को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने जो वर्क है उसके तरफ डेडिकेट होना चाहिए हम, और बस लक्ष्य की तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए।